ये लंपी स्किन डिजीज आखिर है क्या? इसको इन नटशेल लें तो इट्स ए वायरल डिजीज। तो क्या इससे दूसरे जानवरों को भी खतरा है? इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है जो हेल्दी एनिमल होगा ना पास में। मेरा एक क्वेश्चन है कि पिछले 5 ईयर्स में द कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैव स्पेंट हाउ मच ऑन दिस फैक्टर, हाउ मच सच टाइप ऑफ मेडिसिन हैव बीन प्रोवाइडेड टू फील्ड यूनिट्स एंड हाउ मच द फील्ड यूनिट्स हैव प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। आप सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और कैटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 192.5 मिलियन के आसपास कैटल पॉपुलेशन पाई जाती है। और पशुओं में जब से ये बीमारी आई है लंपी स्किन डिजीज़, तो बहुत सारे उत्पादकों की परेशानी बढ़ चुकी है। सबसे पहले ये केस गुजरात में पाया गया था और उसके बाद ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें लंपी स्किन डिजीज़ की, तो 6000 से ज्यादा पशुओं को यह डिजीज हो चुका है। तो आइए, आज हमारे साथ स्टेट टाइम्स पर मौजूद हैं एक सीनियर डॉक्टर जो इस डिजीज के बारे में बताएंगे। सीनियर वेट डॉक्टर है डॉक्टर प्रेम शर्मा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो हम जनता को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये लंपी स्किन डिजीज आखिर है क्या। देखिए, ये लंपी स्किन डिजीज अगर हम इसको इन नटशेल लें तो इट्स ए वायरल डिजीज। ये एक वायरस से होती है। अब वायरस से कैसे होती है, तो इसके लिए वेक्टर्स की ज़रूरत है। कैटल को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होगा उसको मॉस्क्यूटो, टिक वाइट्स, माइस, ये फ्लाइज, लाइस, इनके थ्रू ये ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्थी एनिमल। सो कैप्री पॉक्सी वायरस जीनस है ये। फैमिली इसकी कैप्री पोबिडी है जी। तो इस वायरस का भारतवर्ष में वर्तमान समय में जो एपिडेमिक टाइप सिचुएशन पूरे मुल्क में, हमारे देश में जो बन रही है जी। ये अब से पहले नहीं थी। वर्ल्ड में जो इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था, उस टाइम भी इसका डायग्नोसिस ये लंपी स्किन डिजीज नहीं हो सकता। इट वाज 1929। उस समय यही समझा गया कि ये कोई वाइट्स हैं, इसमें कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, या अदरवाइज इट इज सम सॉर्ट्स ऑफ पॉइजनिंग। सो लेटर ऑन 43 में, फिर 45 में जी। सो यह प्रेंशन ये आती है इसकी कि इट वाज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, क्योंकि बीच में फिर ये कहीं आई नहीं। मैंने भी जो रूरल एरियाज में यहाँ हमने काम किया जी। यहाँ हमने स्टडी किया बिहार में, रांची में, फिर आंध्र प्रदेश में, तो इसका हमने कभी वहाँ नाम नहीं सुना। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 47 ऑनवर्ड्स, आपने जैसे पहले बताया कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, तो हमारे देश ने इस फ्रंट के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्रेस की है। लाइफ स्टॉक जो डिजीज़ हैं कि तो कुदरत के हाथ में सब कुछ है। आज ये आ गई तो एक पैनिक सा लोगों को लग रहा है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ हाँ आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। इसमें रिंडर पेस्ट थी। रात को 50 एनिमल्स दे वर क्वाइट ओके, इन द मॉर्निंग यू कैन फाइंड 30 आउट ऑफ 50 डेड। इसी तरह गलकोटू बोलते थे, हिमरेजिक सेप्टिसीमिया, वो डिजीज आउटब्रेक होता था, इट वाज लार्ज नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज। फुट एंड माउथ डिजीज थी, इट वाज आल्सो ए वायरल डिजीज। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैक्सीन हैव बीन generated and a systematic organized work on the part of the veterinarians throughout the country, these diseases have been controlled. अब ये जो सामने आई है लंपी स्किन डिजीज, तो इसमें पहले तो मैं ये submission करूँगा आपके थ्रू आम जनता से, क्योंकि जनता जो है यही सर्वोपरि है। तो आम यही होता है कि जो
जनता को जब लोग एड्रेस करते हैं, चाहे वो मुलाजम हों, चाहे लीडर हों, चाहे ऑफिसर हों, तो शायद सबमिशन लफ्ज़ कम ही आता है। लेकिन मैं सबमिशन करूँगा कि आप इससे घबराएं नहीं, इससे डरे नहीं, ये कोई इतनी भयानक डिजीज़ नहीं है। इसमें जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी जो है, ये 15% से 25% तक है जी। और इन्फेक्शन जो है इट इज़ 1-5%। बाकी इसका रिकवरी रेट जो है, सपोज़ आज हमें पता चल जाता है कि हमारा एनिमल आज बीमार हो गया, सो एट द राइट एप्रोप्रिएट टाइम, जस्ट एट द अर्नेस्ट टाइम, हम उसकी ट्रीटमेंट अगर शुरू कर देते हैं जी, तो विद इन 3 डेज इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं, मैं वही जानना चाहती थी कि आप थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में लोगों को बताएं। सिम्टम्स में इसमें आएंगे जी, इसमें आपको मेन एक फिब्राइल जो है, टेम्परेचर बॉडी की बड़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जो सामने हमारे आँखों के सामने जो सबसे पहले चीज़ आएगी वो नड्यूल्स आएंगे पूरी बॉडी के ऊपर या किसी स्पेसिफाइड पार्ट के ऊपर। लिम्फ नोड जो हैं जी, वो कहीं उनकी स्वेलिंग भी आपको दिखाई दे जाएगी, नेजल डिस्चार्ज आ जाएगा, मिल्क यील्ड नेचुरली इट विल आल्सो डिक्रीज, एनोरेक्सिया आ जाएगा, एपिटाइट जो है जानवर खाना पीना बंद कर देगा, मुंह से डिस्चार्ज आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी सिम्टम आने पे तो अर्लीस्ट वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है बाई द वाइट्स ऑफ टिक्स, मॉस्किटोज, एंड देर आर अदर वैक्टर्स ऑल्सो। देर वॉज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिक which transmitted lice disease in human beings, but that was not a virus, that was a bacterial disease. In this case it is a viral disease, but it is not zoonotic disease. इस डिजीज का एक बहुत बड़ा जो हम उसका करैक्टर जो है, करैक्टरिस्टिक जो है, जूनोसिस, ये एनिमल से ह्यूमन्स को ट्रांसफर नहीं होता, नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवाल है, और सर जैसे कि आपने बताया कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे तरफ, तो क्या इससे दूसरे जानवरों को भी खतरा है? इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है, जो हेल्दी एनिमल होगा ना पास में, अब इनमें टिक वाइट या इसका लाइस का या और किसी किस्म का कोई भी वैक्टर हो, एक मॉस्किटो है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉमिनक्लेचर है उसका, वो इस वायरस को फॉर 7 डेज कीप्स विद इन इट्सेल्फ। आफ्टर 7 डेज दैट वायरस इज इन ए पोजिशन टू काज डिजीज। सो इफ लाइक साइकिल ऑफ सच वैक्टर्स इंक्लूडिंग सच टाइप ऑफ मॉस्किटो और टिक वाइट, हम इस लाइफ साइकिल को अगर ब्रेकअप करते हैं तो इस डिजीज को स्प्रेड होने से हेल्दी एनिमल्स को बचाया जा सकता है। सर जैसे घर में बहुत सारे पेट्स होते हैं, तो कईयों के साथ साथ कैटल्स के साथ साथ उन्हें डर है इस चीज का? नहीं, डॉग्स में नहीं है, डॉग्स कैट्स में नहीं, गोट्स शीप में है। और वर्ल्ड में 3 वैक्सीन भी बन चुकी हैं जी। एक साउथ अफ्रीका में है उनकी वैक्सीन है, एक 0180 है, एक टिनिथिंग वैक्सीन है, एक और 3 वैक्सीन बन चुकी हैं, गोट एंड शीप दिस लंपी डिजीज वैक्सीन, शीप एंड गोट लंपी डिजीज वैक्सीन। सो ये वाला जो है इट इज़ सेपरेट वायरस, वो सेपरेट है बिल्कुल। और इसके लिए कहा जा रहा है ना कि देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस लंपी डिजीज, तो फिर कैसे लोग इससे बच सकते हैं? ट्रीटमेंट हम ऐसे कहेंगे ना कि अगेंस्ट द वायरस देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वी हैव टू डू फॉर वट, जो अदर सेकेंडरी इसमें सिम्टम्स अराइज होंगे जी, जैसे फिब्राइल कंडीशन, हाई टेम्परेचर, बॉडी एडीमा, इंफ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, इंफ्लामेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन, वहाँ इन्फेक्शन जाएगी। सो वी हैव टू काउंटर मेन इन्फेक्शन सेकेंडरी जो बैक्टीरियल से होगी इन पर्टिकुलर इन सॉफ्ट टिश्यूज, तो उन सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। इसमें एमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन जो कि अब एब्सोल्यूट हो चुकी है,
लेकिन मैंने यहाँ अपना गो थ्रू किया रीडिंग में डिफरेंट जगह पे, बाकी गूगल पे आप सब कुछ देख सकते हैं आजकल. तो पेंसिलिन, मैंने ये नोट किया कि पेंसिलिन 1000 mg जो है BID ट्वाइस डेली इंजेक्टेबल, वो इसमें एनरो वो भी है, इसमें हमारी एनरो वैक्सीन भी है, इसमें एक वैकस कंपनी है करनाल में, हरियाणा में रैकस, वो बना रहे हैं रैकस 72 AMC 72. वो एंटीबायोटिक भी लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है, वो इसको फिब्राइल कंडीशन को चेक करेगी जी. इसमें बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन को चेक करेगी, सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन है उसको चेक करेगी. प्लस एंटीबायोटिक्स वी हैव टू गो फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसके लिए हमें एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे इसको जी. फिर इसी के साथ हम कुछ प्रेपरेशंस ऐसी आती हैं जिनके साथ बॉडी की इम्यूनिटी का कंसर्न होता है, बॉडी की इम्यूनिटी, तो उसके लिए हमें लिवोजेन प्लस विटामिन B1 मिथाइल कोबालामीन इस किस्म के इंजेक्शन दे के इनकी इम्यूनिटी और बॉडी की स्ट्रेंथ को वो काउंटर करना है, थर्ड इसके साथ ही हमें जो इनका एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया जो भूख बंद हो जाएगी देन कम्स अ डिस्पेप्सिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें डाइजेस्टिव जो हैं वो चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इनकी लीवर का फंक्शन है, तो लिवोजिन के इंजेक्शन जो हैं वो लीवर के लिए, लीवर को फर्दर टोन अप करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, वो डिस्पेप्सिया को काउंटर करेंगे. बाकी आयुर्वेदिक कुछ ड्रग्स हैं जिनको उन्होंने पाउडर शेप में बनाया हुआ है, वो दी जा सकती हैं, इसमें पेस्ट बना के गुड़ वगैरह में वो दी जा सकती हैं. और थर्ड इसको चेक करने के लिए सबसे बड़ा इस बीमारी का जो है वो आपको यहाँ इस एनिमल को रखा हुआ है जो इन्फेक्टेड हो गया है, जिसमें नोड्यूल्स भी हो गए. अब एंटीबायोटिक्स तो चलेंगे तो 3-4 दिन में सिम्टम जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे जी. लेकिन बीमारी का जो लॉस है इट मे गो फर्दर. सपोज नोड्यूल जो हैं दे गेट फर्दर इन्फेक्टेड एंड रप्चर्ड, फट जाते हैं, उसमें से डिस्चार्ज आ जाता है. फर्दर सम फ्लाइज कम, दे थ्रो देयर लार्वा इन दैट, मैगेट्स बन जाएंगे उसमें. आप सुबह रात को देखेंगे कुछ नहीं, सुबह देखेंगे हजारों कीड़े हैं उसमें जी. तो उसकी ट्रीटमेंट करनी बड़ी ज़रूरी है. हीमिक्स वगैरह इंटमेंट्स आई हुई हैं तो सिक एनिमल्स के ऊपर वो लगाई जानी चाहिए ताकि फ्लाइज वगैरह जो हैं वो रिपेलेंट रहें. मक्खी और मच्छर तो इन्फेक्शन कर जाएगा ना, बाकी फ्लाइज जो हैं और लार्वा छोड़ेंगे. मैगेट्स वाला जो फ्लाइज आती हैं वो मैगेट्स उसमें छोड़ेंगे, कीड़े वाला वो, उसको भी काउंटर करना बहुत जरूरी है. सर मुझे लगता है कि इन एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से दूर रखना सही, बाकी एनिमल्स से आप इनको दूर रख सकते हैं. आप इनको कितना, एक घर में अब आपके एग्रीकल्चर लैंड भी होगी तो फैमिली यहाँ रह रही होगी, कनाल होगी या डेढ़ कनाल होगी या दो कनाल होगी, कहाँ दूर, कितनी दूर ले जाएंगे. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो लाइफ साइकिल है ना बैक्टर का, उसको ब्रेकअप किया जाए. उसके लिए एक जो हेल्दी एनिमल है उनकी स्किन ट्रीटमेंट जो है एक्टोपैरासाइट्स के लिए, जिसमें टिक्स हैं, लाइस है और जुएं टाइप होती हैं इनमें अलग किस्म की, जिसको हम ये हमारे घरों में भी जो टिक्स हो जाती हैं उस किस्म की टिक्स भी इनको इन्फेक्ट करती हैं, तो उसके लिए बुटॉक्स एक बड़ा अच्छा ये एंटी ये पैरासिटिक एक ड्रग बनी हुई है, तो वो पॉइजनस भी नहीं है, वो हार्म भी नहीं करती. तो हेल्दी एनिमल जो है उसको 5 ml 1 liter में डाल के बुटॉक्स के साथ उसको कोट को हमने पूरा उसको बॉडी पे पेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर वो कोई फ्लाई जब इस किस्म का कोई आता भी है तो वो वहाँ से हट जाए. दूसरा जो हेल्दी एनिमल है, जितना ज़्यादा हम इसका वेक्टर का लाइफ साइकिल तोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉस्किटो कैन कैरी इट फॉर 7 days वायरस विद इन बिफोर इनोकुलेशन टू अनदर एनिमल, तो उसके लिए स्प्रे. अब घरों में, अब मेरे घर में भी स्प्रे की मशीन नहीं है. एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं आजकल उनके घरों में भी मेरे ख्याल में स्प्रे की मशीनें नहीं हैं, कुछ ना कुछ मेडिसिन रखी होती हैं, लेकिन उसको इन्होंने इनोवेट करना पड़ेगा. आपको यहाँ शेड है उसमें आपने स्प्रे करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, मतलब चाहे लाइट डोज में करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि ये जो लाइफ साइकिल है वेक्टर का ये ख़त्म हो जाए. हाँ, ये ब्रेक हो जाए. जब तक लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं होगा तो ट्रांसमिशन जो है फ्रॉम अनहेल्दी एनिमल टू हेल्दी एनिमल वो चलती जाएगी.
चलती जाएगी। सर, ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो केस हैं वो बॉर्डर एरिया से ही आए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कहाँ से आया होगा? उसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारा बॉर्डर एरिया नहीं है, नगरोटा साइड ऊपर जिंदरा साइड, ये पूरा डंसाल ब्लॉक जो है, ये ऊपर दम्मी है, मथुआर की टाइप नहीं, यहाँ से भी हुई है पहले, यहाँ से भी हुई है। तो बाकी आप देखिए कि ये 19 में आपने बताया ना, ये गुजरात में, सो इट स्टार्टेड इन यहाँ बांग्लादेश में जुलाई 2019 में, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से फिर इंडिया में भी इसका थोड़ा थोड़ा असर हुआ, लेकिन इट वाज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, ये अपने आप ही रुक गई। अब आफ्टर पोस्ट कोरोना जो पीरियड है, ये मेरी असेसमेंट है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, द अदर साइंटिस्ट में काउंटर माई एसर्शन, कोरोना के बाद मैंने देखा कुछ ऐसे पतंगे, कुछ ऐसी तितलियाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे कीड़े वो उपज गए, पैदा हो गए, नाचने लगे जो कोरोना से पहले नहीं थे। इट वॉज अनहेल्दी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, तो वो लोग सब डेथ हुए, उनकी डिके हो चुकी थी। कोरोना की पीरियड में जब ये एनवायरनमेंट काफ़ी क्लियर हुई, ह्यूमन बीइंग को कोरोना हुआ जी, लेकिन एनवायरनमेंट जो थी, बाकी फैक्टर जो थे, फैक्ट्री पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, तो एक नया उमंग पैदा हुई, एक नया जन्म हुआ। वो मैं समझता हूँ कि 2019 में जब इंडिया में आया ये, तो इम्यूनिटी जो थी, क्रॉस ब्रीड एनिमल जो है, हमारा जो देसी एनिमल है उससे काम हो जाती है क्रॉस ब्रीड में। तो इस वेक्टर में भी कोई नई जान आई होगी, इस वायरस में भी और वेक्टर्स में भी नए पैदा हुए होंगे, तब 2019 में ज़्यादा ये ट्रांसमिशन हुई। बाकी वेक्टर जो है, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग तो है, बांग्लादेश से भी है, इवन गुजरात से भी है, हमारे यहाँ से भी जानवर आते हैं। तो उस एरिया से जब ये स्टार्ट हुआ, तो ये वेक्टर प्री कोरोना पीरियड में जा चुके थे, ये मतलब इनका हो चुका था, इनकी लाइफ लाइन जो थी ख़त्म हो चुकी थी। कोरोना के पीरियड में जब एनवायरनमेंट साफ हुई, तो ये लोग भी पैदा हो गए दोबारा, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़ आफ्टर दैट। जैसे छोटी चिड़िया आपने देखी होगी हमारी, जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, ये अब काफ़ी निकल आई हैं, अब काफ़ी चल रही हैं। तो मेरी ये असेसमेंट है कि ये वेक्टर जो 2019 में डिजीज़ आई ड्यूरिंग माई सर्विस पीरियड, हमने नहीं देखी वहाँ, तब क्यों नहीं आई? तो अब एक स्पेसिफिक रीज़न कुछ ऐसी होगी कि जब एक, वो कहते हैं ना, प्योर रिक्रिएशन टेक्स प्लेस, तो है तो ये भी लिविंग बींग, वायरस भी, बैक्टीरिया भी, एम्यूबा भी, दे आर ऑल लिविंग बींग्स, दे आर हिज क्रिएशन, दे टू कैरी दैट द सेम एनर्जी फ्रॉम दैट डायनेमो विच आई हैव, तो वो वहाँ से पैदा हुए होंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपको कुदरत एक ऐसी है कि उस कुदरत के निज़ाम के आगे इंसान कितना चलेगा, कितना दौड़ेगा। सर, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ये बीमारी जब से आई है तो डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपसे ये सबमिशन करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब दे हैव देयर बेसिक ओरिजिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आप ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, वेटनरी हमारी एनिमल हस्बेंड्री ले लीजिए, शीप हस्बेंड्री ले लीजिए, फिर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लीजिए। आज हम कह रहे हैं कि आप अपने घरों को साफ रखो, वेक्टर का लाइफ साइकिल तोड़ो, स्प्रे करो, इनको एक्टोपैरासाइटिक ट्रीटमेंट दो। मेरा एक क्वेश्चन है कि पिछले 5 ईयर्स में द कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैव स्पेंट हाउ मच ऑन दिस फैक्टर, हाउ मच सच टाइप ऑफ मेडिसिन हैव बीन प्रोवाइडेड टू फील्ड यूनिट्स, एंड हाउ मच द फील्ड यूनिट्स हैव प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। सो आई एम वेरी सॉरी, आई कॉन्ट से विच इज़ इन माई हार्ट, बिकॉज मैंने नमक खाया है इस डिपार्टमेंट का। तो एक वाइट पेपर क्यों नहीं पब्लिश होता, एक फोर्थ क्लास का, जब 14,000 SPO बन गए, डोडा में सिलेक्ट हो गए, पूरे पेपरों के ऊपर ऐड आती है, लाखों रुपया ऐड का जाता है,
ये क्या परचेज हुई, ये कौन कौन सी मेडिसिन हुई, इसका वाइट पेपर क्यों नहीं आता, कितनी डिस्पेंसरीज हैं विजयपुर ब्लॉक में, कितनी हैं मढ़ ब्लॉक में, कितनी हैं सांबा ब्लॉक में, कितनी हैं अखनूर ब्लॉक में, कितनी हैं नगरोटा ब्लॉक में, इन डिस्पेंसरीज को कौन कौन सी मेडिसिन कितनी गई। अगर एक डिस्पेंसरी को 4000 से 5000 की मेडिसिन गई है तो ये पैरासिटिक एक्टोपैरासिटिक कंट्रोल जो है इसकी कितनी मेडिसिन गई है। देखिए मैंने पहले कहा कि माई सबमिशन विद माई फार्मर्स, मैं उनके ऊपर लोड क्यों डालूं, पहले मैं अपना आप झांक के देखूं कि मैंने इनके लिए इस बात पे ऊपर क्या किया, जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी है दे आर अर्निंग GDP टू अ नेशनल एक्सचेकर, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू देम, हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या वो हमारी क्राई टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं बुफेलोज को, क्या हम उनको लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत फीड प्रोवाइड करवा रहे हैं हम उनको, क्या उनकी वैक्सीनेशन जो है एनिमल हस्बेंड्री में अब जो मेडिसिन फील्ड में दी जाती हैं दे आर 50% ऑन कॉस्ट बेसिस, द अल्टीमेट कंज्यूमर जो फार्मर है उसने 50% पे करना है जी। तो एक बहुत बड़ी क्लास है जो कि एक बहुत बड़ा GDP नेशनल एक्सचेकर में डालती है, वो ये गुज्जर और बकरवाल हैं। इनके लिए हमारा जो प्लान बनता है डिपार्टमेंट का इन रेफरेंस टू देयर लाइफ स्टॉक, हमारा कितना आउटपुट है इनके लिए, हम इनको क्या देते हैं और ये GDP कितना देते हैं। अब बात आ गई, आप कह रहे हैं कि दूध कम हो रहा है जी। लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं खरीदने से। अब जिनके घरों में गाय है ना क्रॉस ब्रेड जर्सी है फ्रीजियन है, उनके घरों में जब ये नोडुलर डिजीज हुई ना, आज ही मुझे एक लड़का मिला, वो कंप्यूटर में यहाँ काम करता है शॉप पे, तो ही टोल्ड मी कि मेरे बच्चे को भी रैशेज हो गए। तो हमने फिर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने कहा भी आप अपनी गाय का दूध मत पिलाओ, बंद कर दो। तो देन ही गेव मेडिसिन और उसके रैशेज ठीक हो गए। मे बी पॉसिबल, वायरस मे नॉट बी ट्रांसमिटेड, इट मे नॉट बी जूनोटिक टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन बच्चे की जो इम्यूनिटी है, बच्चे का जो DNA सेटअप है, वहाँ पे सम अदर सेकेंडरी कोई चीज़ जो है इसकी वजह से अगर डेवलप हो जाए तो कोई इतनी दूर की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो बात उसने मुझे कही जी। अब उसने जब ये बात कही तो वो अपने ऐसे एरिया से आता है, यहाँ वो अपनी इस गाय के ट्रीटमेंट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं RSpura में। तो ये लोग जब आगे मैसेज देंगे लोगों को कि मेरे बच्चे को ऐसा हो गया आप दूध मत पिलाओ, तो वो तो उन घरों में जाएगा ही जाए, नोमैड्स में नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस करना है, वो दूध लेके आके बाजार बेचेंगे। लेकिन जो इस किस्म की हमारी फैमिलीज हैं जो पढ़े लिखे हैं थोड़े सर्विस में हैं या कुछ हैं, उनमें मैसेज जाएगा, बाकी आप इनमें कहें तो नहीं जाएगा। हमारे जो पैदल एरियाज हैं अब वहाँ की तो कोई खबर आई नहीं, मोहर की नहीं आई, मरवा की नहीं आई, मरमत की नहीं आई, बुमाग एरिया की नहीं आई, चिल्ला डंगा की नहीं आई, बगदार की नहीं आई, सतला कोट की नहीं आई, मोहर की ना आई, यहीं की आई सिर्फ। कि यहाँ मीडिया भी है, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ पास पास है, तो वो ज़्यादा शोर मच गया। और इससे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, लोगों को समझनी चाहिए ये बात कि अगर मेरी गाय बीमार हो गई है तो आई एम इन ए पोजीशन टू टेक माय चाइल्ड टू ए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, तो वो लोग भी तो ऐसे हैं जो बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते, कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी तो फिर कुछ ऐसे मैसेज, रियोरी से मैसेज आए हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ के रियोरी से मैसेज आए हैं। कि उस किस्म का जितना यहाँ हुआ है इसमें ज़्यादा जो पीछे हाई टेम्परेचर गई, काफ़ी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहा, वो भी एक एक्सेलरेशन की गई उसकी वजह से। तो अब जो एनिमल इन्होंने अनहेल्दी एनिमल है उसको एटलीस्ट पंखा कूलर थोड़ी सॉफ्ट एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसकी रिकवरी जो है जल्दी। वो जल्दी हो जाए, अदरवाइज 2 months 3 months ये ठीक होगा वो खराब होगा, वो खराब होगा ये ठीक होगा, वो चलता रहेगा। तो बाकी दूध का जो है आप ऐसा कहने को कहते हैं कि आप बॉयल कर लीजिए 10 मिनट के लिए, तो वायरस जो है वो बॉयल 10 मिनट करने से वायरस तो कहीं नहीं जाएगा, वायरस तो कहीं नहीं जाना। तो बाकी जब ये जूनोटिक है ही नहीं तो ह्यूमन में ये वायरस क्या करेगा आगे, अभी तो इसका कोई है नहीं। हाँ, लाइस की तरह
कल को जैसा वो बैक्टीरिया हमें वो भी नड्यूल्स बनाता है ह्यूमन बीइंग्स में, यूरोप में अमेरिका में काफ़ी केसेस हुए हैं उसके, तो वो कभी म्यूटेशन कल को अगर हो जाती है तो वो कुदरत के हाथ में है। जैसे ये वेक्टर आज खड़ा कर दिया उन्होंने, ये लंपी स्किन डिजीज पैदा कर दी, वायरस डिजीज ये ला दी, तो उसके लिए तो अनगार्डेड ही है सारा सिस्टम। तो मुझे लगता है कि इस लंपी स्किन डिजीज़ से जो जितनी भी आपके डाउट्स थे वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो सर, जाने से पहले जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि आपका जो जो चैनल जो लोग देखेंगे उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने वालों में ना जो एडिटोरियल्स होते हैं वो 0.1% लोग हैं, जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, बेड पे हैं वो पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो हमारी शहर वाली क्लास है जिन्होंने ना गाय रखी है ना देखी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे विलेजेस में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिनके घरों में चार गायें होती थी आज एक भी नहीं है, लड़कों ने नौकरी शुरू कर दी है, वो चला गया है। जो जहाँ ये टारगेट कर रही है, जिन घरों में कर रही है, जिन लोगों को कर रही है, तो उनके लिए हमारी डिपार्टमेंट जो है इन्होंने काफ़ी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एक मैं आपको ये बताता हूँ, इन्होंने ये बना के भी फील्ड में डाला हुआ है लोगों के लिए, कि आप इस तरीके के साथ ये पोस्टर्स भी उन्होंने छपवाए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मैसेज के लिए उनको दिए हुए लोगों ने, अवेयरनेस के लिए। हाँ, अवेयरनेस के लिए। तो इसमें मेरा उस टारगेट ग्रुप को जो बेसिकली इस मिल्क के थ्रू जीडीपी ऐड करते हैं, एक तो हो गया एक घर में एक गाय, दो गाय, तीन गाय, और सर्विस वाले पीपल भी हैं, लैंड भी है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्लास। एक वो पर्टिकुलर क्लास है जिसमें एक औरत है, उसने गाय रखी हुई है, उसका 6 किलो दूध है, गांव का एक लड़का 20 घरों से वो दूध इकट्ठा करता है, उसको 22 रुपये 23 24 रुपये किलो देता है, और मोटरसाइकिल स्कूटर पे लाके शहर के आसपास आके, तो मेन टारगेट जो है कस्टमर्स का वो जम्मू सिटी ही है। उस लेडी के लिए बड़ा ज़रूरी है जिसकी एक गाय बेचारे की अभी अनअफेक्टेड है, हेल्दी। तो एक बाकी सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली, तो मेरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये लंपी प्रो बैक एक वैक्सीन जो है हमारी ICAR ने बनाई है, ये हिसार में हमारा ये एक इक्वाइन के ऊपर रिसर्च सेंटर है, तो इसके लंपी स्किन डिजीज़ के लिए ये वैक्सीन तैयार की है। तो गवर्नमेंट से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारी मेन क्लास है, अभी तो कैटल में ये लाइफ स्टॉक में काउज में आ रहा है, बुफेलोज में भी सुना आया है, तो वो एक हर्डल जो है मेन मिल्क प्रोड्यूसर जो हैं, जो GTP पूरा सप्लाई करते हैं, उनको थोड़ा सा खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को कि इंडिया में ये वैक्सीन तैयार हो गई है, और गवर्नमेंट जो है हमारी बड़ी जल्दी इस वैक्सीन को पूरी टेक्निकल यूनिट्स तक ये पहुंचेगी और लोगों को ये मिलेगी, और ये लंपी वायरस डिजीज़ जो है इसका स्प्रेड जो है ये ऑटोमेटिकली इट्सेल्फ इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, वैक्सीन जो आ गई है इससे जो और जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हाँ, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा दुनिया को, गांव के लोगों को, सबको। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज का टॉपिक, मुझे लगता है कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट के ज़रिए हमसे बातचीत कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि जिस भी कंडीशन में आप पशुओं को रख रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का माहौल रखें, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये था हमारा लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर एक खास वीडियो। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टेट टाइम्स।